आज के दोनों कैमरे चोरी हुए उसमें पूरी डिटेल तो पता लग जाएगा जिसके बाद। सो गाइस एक चीज़ बताना चाहूँगा, सब कुछ शुरू करने से पहले, ये सब यूट्यूबर्स के लिए, जो भी अभी वीडियो देख रहे हैं, अगर आपका भी चैनल है ना गाइस, तो आप इस क्लिप को काट सकते हैं, आप कहीं भी शेयर करिए मेरी तरफ से, कहीं भी आप यूट्यूब पे डालें, इंस्टा पे डालें, कोई स्ट्राइक वगैरह नहीं आएगी। सो गाइस प्लीज़, अगस्त के पापा की तरफ से ये डायरेक्ट रिक्वेस्ट है, आज उन्होंने मुझे बोला है ये वीडियो डालने के लिए, कि गाइस जिसने भी वो 360 कैमरा अगस्त की बाइक से चुराया है, क्योंकि वो टूटा नहीं है, ठीक है, वो पूरा प्रॉपर माउंट से किसी ने निकाला है, तो प्लीज़ जिसने भी चुराया, हमें आपसे कैमरा वापस नहीं चाहिए, हमें आपको आगे भी नहीं लाना, आप बस कुछ भी करो, कैसे भी करके हमें वो क्लिप भेज दो, क्योंकि उसमें बहुत चीज़ें क्लियर होने वाली है कि किसने टक्कर मारी, क्यों मारी, कौन किसकी गलती थी, साथ में कौन था नहीं था, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो प्लीज़ मेरी ये रिक्वेस्ट है, प्लीज़ इस क्लिप को अलग से निकाल के आप शेयर कर दो, अगर आप इस वीडियो को नहीं शेयर कर रहे तो आप अलग से क्लिप निकाल के शेयर कर दो, पर प्लीज़ उस बंदे तक ही जानी चाहिए। सो गाइज वेलकम बैक टू माई चैनल, एंड अपडेट हैं काफ़ी सारे जो मैं आपके लिए लाया हूँ इस टाइम, लाइक सब चीज़ें क्लियर हो गई है कि भैया का एक्सीडेंट कैसे हुआ, किसने मारा, किसने कैमरा चुराया, क्यों उनके साथ का राइडर ऐसे भागा, एंड जो आपने अभी बात भी सुनी होगी कि आमिर माजिद को अरेस्ट कर लिया गया है, क्यों हुआ, कैसे हुआ, सब बताने वाला हूँ मैं इसमें, एंड क्या सब कैसे आज सब कुछ हुआ, कौन। सो गाइज बस बात यही है कि भैया की बाइक का जब एक्सीडेंट हुआ तो उनकी बाइक पे टोटल 3 कैमरा थे, एक GoPro Hero 8, एक GoPro Hero 10 और एक आपका 360। तो Hero 8 जो कि ऑन नहीं था वो वहीं पे छोड़ दिया गया, ठीक है, और Hero 9 जो उनका मेन माउंट हो रखा था, और आपका 360 जो सब कवर करता है, आगे पीछे किसने टक्कर मारी क्या, सिर्फ वो चुराए गए हैं। तो ये काफ़ी चीज़ अजीब भी लगती है कि कोई क्यों ही करेगा, एंड आसपास कोई ऐसा गांव वगैरह भी नहीं था, एंड ना कोई ऐसा, मतलब आप खुद ही मान के चलो ना, हाईवे पे कोई रुक के किसी को पड़ा हुआ देख के उसकी कोई चीज़ नहीं चुराएगा। सो काफ़ी चीज़ें काफ़ी गलत इशारा भी करती है, बट अब कुछ भी हो सकता है गाइस। तो प्लीज़ मेरी सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ इस क्लिप को इतना ज़्यादा शेयर करें, अगस्त के पापा भी हरिद्वार गए हुए हैं उनको लेकर, किसी रीज़न से मैं नहीं जा पाया अभी, मैं उनके घर से अभी हो गया हूँ जस्ट, एंड सो प्लीज़ मेरी ये रिक्वेस्ट है। सो गाइज हमें आपसे प्लीज़ उस जिस भी आदमी पर वो कैमरा है, हमें आपसे कैमरा नहीं चाहिए, हमें आपको आगे नहीं लाना, हमें कुछ भी आपको चोर नहीं ठहराना, कुछ नहीं, हम आपको कुछ नहीं कह रहे, उनके पापा की बस ये रिक्वेस्ट है कि आप फेक आईडी बनाओ, आप कुछ भी बनाओ, आप कैसे भी करके वो क्लिप हमारे तक भेज दो जिसमें ये क्लियर हो जाएगा कि उसको किसने टक्कर मारी है, उसकी जान चली गई है। प्लीज़ यार जानना बहुत, उसकी मम्मी का बस मैं बता नहीं सकता आपको
मैं रात जब उनको लेकर आई 1 बजे तब भी मैं वहाँ था, और अभी भी जब वो गए मैं तब भी वहाँ था, और मैंने जो चीज़ें देखी है ना गाइज, मैं आपको, मेरे पास वर्ड नहीं है बताने के लिए। तो प्लीज़ प्लीज़ अगर आपके पास वो क्लिप्स हैं, नहीं क्लिप्स नहीं, आपके पास अगर वो कैमरा है प्लीज़ वो क्लिप हमें निकाल के भेज दीजिए। हम आपको नहीं ढूंढेंगे, नहीं पकड़ेंगे, हमें सिर्फ क्लिप से मतलब है, हमें सिर्फ भैया को इंसाफ दिलाना है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं है हमें। एंड गाइज अब आती है फेक न्यूज़ की, भाई हद होती है। मतलब आप उन लोगों को शर्म नहीं है क्या बिल्कुल भी, कि जस्ट व्यूज़ के लिए आप कुछ भी डाल रहे हो। मैं डायरेक्टली नाम लूँगा, कार्तिक कस्टम, उस बंदे का चैनल बर्बाद हो चुका था, उसने अपने अपने रियल कंटेंट से बर्बाद कर दिया था। ठीक है, कर दिया, अब जो भी आपकी दिक्कत है, अब वो क्या सोच रहा है ये कंट्रोवर्सी एंड ये भैया पर, मतलब मैंने उसको, मैंने कल उससे डायरेक्टली बात करी मैसेजेस में, मैंने उसको वॉइस नोट भेजे, मैंने उसको सब बात करी, मैं स्क्रीनशॉट भी अटैच कर दूंगा। मैंने उसको डायरेक्टली बोला, मैंने कहा भाई उसको 4 घंटे भी नहीं हुए मरे हुए, और तू उस पर वीडियो बना रहा है, और तू क्या बोल रहा है कि ओवर स्पीडिंग करते हैं और ये अच्छा आपको पता ही है उसने क्या क्या बोला, उसने व्यूज़ के लिए क्या क्या, उसने पूरी लाइक कम्युनिटी का बहाना लेते हुए अगस्ते का नाम अटैच करके ये बोला है कि ये तो होना ही था कि तुम तेज चलाते थे ये चैलेंज के लिए, टॉप स्पीड के लिए। कहाँ चला गया तेरा चैनल ये सब करके? तो तेरा चैनल पे 144K सब्सक्राइबर्स थे, तूने ये इसका डाला, तेरे इसके सब्सक्राइबर्स रुक गए थे 144 पे, ठीक है। उसके बाद इसने अगस्ते भाई का सिर्फ सब्सक्राइबर्स के लिए किया, ये जो कह रहा है ना मैंने तो मोनेटाइजेशन ऑफ तेरी हुई नहीं है, वो येलो डॉलर सब पे आ जाता है, ये सबको पता है, ठीक है। तू जो पागल बना रहा है ना दुनिया का, किसी किसी को मरे हुए अभी एक दिन भी नहीं हुआ है, उसकी बॉडी जली भी नहीं है, और तू क्या कर रहा है व्यूज के लिए, कि ये तो होना ही था और ये कम्युनिटी ही ऐसी है, इन लोगों ने माहौल खराब किया हुआ है। मतलब पहली बात तो मैं एक चीज क्लियर कर दूं मेरे भाई, देहरादून तो तू अब आ मत जाना, ठीक है। अब आप इसको कुछ भी मान लीजिए, अभी थोड़ा टाइम वैसा नहीं है, इसलिए मैं कुछ अभी इस पर रिएक्ट नहीं कर पा रहा हूँ ढंग से, पर इस चीज़ का जवाब दिया जाएगा। गाइज अगर तुम किसी के मरने पर अपने चैनल को दोबारा सही करने का सोच रहे हो, और वो भी देखो उसको इतना पता था, देखिए उसको मरे हुए 4 घंटे भी नहीं हुए, ठीक है। और अगस्त के पापा ने मुझे एक शॉट भेजी जिसमें इस कार्तिक कस्टम ने मजाक बना रखा है बिल्कुल भाई का, वो मतलब उसका कहना ये था कि ये तो ऐसा था ही, इसके साथ ऐसा ही होना था। मैं कसम से बता रहा हूँ, मैं एक तो अगस्त्य भाई का सुन के बिल्कुल ही डेड हो चुका हूँ, ठीक है। मतलब तो मेरे अंदर कुछ रहा नहीं है, ऐसी सिचुएशन है, और ऊपर से मेरे को ऐसी चीज़ें देखने को मिल रही है, उस पर कमेंट्स के आ रहे हैं, हाँ हाँ ठीक हुआ उसके साथ, मर गया वो, उसकी फैमिली की कंडीशन देखी है, मैं रात भी वहीं पर था, मैं पूरी रात वहीं पर था, मैं अभी तक वहीं पर था, मैं आपको बता नहीं सकता। एंड बस गाइज मतलब इससे ज़्यादा चीप कुछ नहीं होगा, वो बंदा अपने आप को पता नहीं क्या समझ रहा है यार, आई एम सीरियसली। मैंने उसको कल गुस्से में मैंने उसको इतना धमकाया, एंड मैं अभी भी अपने वर्ड्स पे रहूँगा, ऐसा नहीं है, मैंने उससे डायरेक्टली बोला, मैंने कहा भाई तू देहरादून में नहीं घुस पाएगा, ठीक है। मतलब यार क्या ये लड़ाई दंगा, क्या यार ये चीज़, बट किसी के मरने पे तू व्यूज़ ले रहा है उसका बोल कर कि वो सही हुआ, तू भी तो तेज़ चलाता है, तू भी 200 से ऊपर जाता है, तू व्हीली मारता है, वो एटलीस्ट दोनों टायरों पे तो चलता है, तू व्हीली मारने लग जाता है, ठीक है, उसको तू कंटेंट कहता है। अगर तू एक कलर ग्रेडिंग कर देगा वो कंटेंट हो गया, उस भाई ने रिएक्शन बनाए, जो भी करा उसने अपना चैनल चलाया, भाई तुझे क्या है। सो गाइस अब मुझे डायरेक्टली ये चीज़ कहनी पड़ेगी कि ऐसे चूहों को सपोर्ट ना करें प्लीज़, जो किसी के मरने पर भी, चलो आप नहीं जानते कुछ नहीं जानते ठीक है, आप क्या डाल रहे हैं कि आपने वीडियो पे लिख दिया कि 300 की स्पीड पर एक्सीडेंट हुआ, अपना इतना खुद तो दिमाग लगाओ यार, 300 की स्पीड पे गाइस अगर कोई बाइक तो छोड़ो कोई गाड़ी भी होती ना और ऐसे टकराती डिवाइडर से, जैसा न्यूज़ बोल रही है, आज मैंने अखबार में भी देखा, अखबार में भी लिखा है कि अगस्त्य चौहान 300 की स्पीड पर चलाते हुए डिवाइडर से टकरा कर नहीं रहे, ये कोई सेंस है इस बात की? आप बाइक को देखो, बाइक साइड से टूटी है, सिर्फ निशान है उस पर, वो सिंप, और उसका मैं आपको एक फ़ोटो दिखाता हूँ। सो गाइस जैसा आपने स्टार्टिंग में फ़ोटो देखी होगी वो रिम की, उससे ये क्लियर होता है
कि बाइक का एक्सीडेंट स्पीड की वजह से नहीं हुआ, बाइक का एक्सीडेंट बैलेंस बिगड़ने की वजह से नहीं हुआ, बाइक का एक्सीडेंट किसी भी व्हीली स्टॉपी से या कुछ भी ऐसे से नहीं हुआ। उसमें सिंपल ये सीधा सीधा दिख रहा है, कोई अनपढ़ भी बता देगा कि भैया पिछले टायर का रिम अगर मुड़ा है तो किसी ने पीछे से आके टक्कर मारी है। और वो रिम कावासाकी बाइक्स के इतने ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं ना गाइज, ये टक्कर कम से कम 160 की स्पीड पे किसी ने मारी है। और अगस्त्य भाई कम से कम उस टाइम बहुत कम स्पीड में होंगे तब जो इतना ज़्यादा इम्पैक्ट आया। अब आप सोचो ना, टायर भी फटा, टायर फटने के बाद रिम मुड़ा, और रिम जिस जॉइंट से मुड़ा है ना गाइज, कम से कम बता रहा हूँ, पीछे गाड़ी ट्रक जो भी था वो कम से कम 200 की स्पीड पे था, मतलब 150-200 तो हो गई गाइज, आप खुद सोचो ना वो कितना टूटा हुआ है यार। सो गाइज, हमें ट्रक वाले से तो ये सुनने को मिला है जो टोल पर आगे गया था, जिसने बताई थी चीज़ें, कि उसने ये बताया कि दो बाइक्स थी, एक वाइट कलर की एक ग्रीन कलर की, ज़्यादा स्पीड में नहीं थी, सिर्फ 100 की स्पीड पे थी, जो कि हाईवे पे ही स्पीड लिमिट आपकी 120 के ऊपर है, शायद 120 है, तो मतलब स्पीड लिमिट के अंदर थी, ट्रक वाले ने साफ साफ बताया। उसके बाद उस ट्रक वाले ने बोला कि आपस में दोनों का कुछ हुआ एंड ग्रीन वाली बाइक का बैलेंस बिगड़ा। सो इससे एक चीज़ तो क्लियर होती है गाइस कि ये चीज़ सच है, पर शायद पूरा सच नहीं है, क्योंकि अगर बैलेंस उसका बिगड़ा है तो जो भैया का हेलमेट टूटा है वो कम से कम, सच बता रहा हूँ, 20 से 30 टन वजन पड़ेगा तभी इतना महंगा हेलमेट टूटता है गाइस। वो किसी नॉर्मल चीज़ से नहीं टूट सकता, भैया की बॉडी पर और कहीं भी कोई भी चोट नहीं है, सिर्फ और सिर्फ हेलमेट टूटा है, उसकी वजह से सिर्फ दब गया था ये वाला एरिया पूरा अंदर को, सिर्फ ये हुआ है। सो ये बाकी तो खैर ये 360 कैमरा की फुटेज अगर कोई, सो गाइस ये सिर्फ और सिर्फ, इसमें आप पैंच ढूंढने से कुछ नहीं होगा, ये सिर्फ और सिर्फ एक हिट एंड रन का केस है। किसी गाड़ी ने इनको चलते हुए, अगर मान लीजिए ये 100 की स्पीड में है, तो कम से कम पीछे कोई गाड़ी 200 की स्पीड में आ रही होगी, जो इतना इम्पैक्ट हुआ है, एंड उसने टक्कर मारी, भैया गिरे, उसके बाद भैया किसी हैवी व्हीकल के नीचे आए हैं, तो इस वजह से ये सब कुछ हुआ। इतना मैं आपको लाइक मैं क्लियर बताता हूँ, क्योंकि जो बाइक पर निशान है वो 100% ये क्लियर करते हैं कि यही हुआ है, एंड गाइस यही हुआ है। सो प्लीज़ इसको किसी भी छपरी यूट्यूबर, जैसे आपके ये जो व्यूज़ के लिए कर रहे हैं कार्तिक कस्टम वगैरह, इनकी बातों पर आके प्लीज़ ऐसी पोस्ट मत डालें कि 300 की स्पीड पे चला रहा था तो ये होना ही था, ये चल कर रहा था, ओवर स्पीडिंग कर रहा था, स्टंट्स कर रहा था, तो प्लीज़ ऐसो के कहे पे आके ये कम्युनिटी कम्युनिटी करके ना, ये कहीं स्टैंड नहीं करते, इनका कुछ वजूद नहीं है। बहुत मतलब मैं ये सोचता हूँ कि ये लोग इतना ओपनली पोस्ट कर रहे हैं ये चीज़, ये लोग ज़रा भी नहीं सोचते कि इसके पापा देख लेंगे ये चीज़, इसकी बहन देख लेगी, इसकी मम्मी देख लेंगी, इसकी फैमिली से कोई चीज़ देखेगा वो कितना टूट जाएगा। एटलीस्ट उन लोगों में अभी ये आज ये तो था कि यार इतने लोग आए हैं। सो गाइज़ प्लीज़, सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ इस क्लिप को यूज़ कर लो यार, और जितना हो पाए इसको आगे पीछे कर दो, प्लीज़ सबसे रिक्वेस्ट है, ऐसी वीडियोस ना बनाए व्यूज़ के लिए। एक जम्मू का एक्सीडेंट हुआ था जिसमें बाइक डिवाइडर से टकरा के पलट गई थी, उसको लोगों ने अगस्त्य भाई की फ़ोटो डालकर सब में ये फैला दिया कि इसका एक्सीडेंट इसलिए हुआ है क्योंकि ये बहुत तेज़ था और ये डिवाइडर से पलट गया। लोगों ने उस न्यूज़ के साथ मैच करते हुए वीडियो एडिटिंग कर करके बनाई है, और इससे गाइज इससे हो क्या रहा है, सिर्फ भैया की इमेज बिगड़ रही है। सब देख के जो अभी अगस्त्य भाई के पेरेंट्स में जो हिम्मत भी है ना ज़रा सी, कि जब आज उन्होंने अंकल ने इतने सारे लोग देखे कि आए हैं अगस्त्य के लिए आए हैं, अगस्त्य ने लाइक वो लोग कमाए हैं, लोग जोड़ना सबसे बड़ी बात है, पैसे से भी बड़ी बात है, एंड फिर वो अगर ये पोस्ट देखेंगे तो उन पर क्या बीतेगी, प्लीज़ ये सोच के डालो कुछ भी। जहाँ पर एक्सीडेंट हुआ है उससे जस्ट 50 मीटर आगे कैमरा था, उसकी वीडियो निकलने के लिए हमने लाइक कर दिया है, रिक्वेस्ट कर दिया है, एंड वो जल्दी से जल्दी आने वाली, तो सब क्लियर होने वाला है कि आमिर माजिद साथ में थे नहीं थे, क्या हुआ, सब कुछ हुआ। तो प्लीज़ इस चीज़ को इतना मत बढ़ाइए कि नहीं आमिर माजिद नहीं करा है या कुछ भी उसकी वजह से एक्सीडेंट हुआ है या दोनों साथ में थे, आमिर माजिद भाग गया, प्लीज़ ऐसे मत करिए किसी के लिए भी, जो भी चीज़ें हैं वो क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। एंड ये तो सिंपल सा केस, मतलब लाइक इसमें सिंपली दिख रहा है कि पीछे से टक्कर मारी गई है, तो इसमें आप वैसे भी कोई तुक नहीं बनता किसी की गलती का। सो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है, मैं नहीं बोल रहा हूँ, सच बता रहा हूँ, मैं व्लॉग बनाता भी ना, मेरी हिम्मत भी नहीं हो रही व्लॉग बनाने की, मैं जैसे तैसे बना रहा हूँ बस, मुझे अगस्त्य के पापा ने बोला है, मुझे बनाने पड़ रहे हैं, क्योंकि मैसेज जाना आप लोगों तक ज़रूरी है, क्योंकि जिस हिसाब से फेक न्यूज़, फेक मीम्स
भैया की डेथ पर जो लोग ये कार्तिक कस्टम वगैरह अपना चैनल वापस चलाने के लिए जो फ्लॉप हो गया बिल्कुल ही, उसको ये सब करने के लिए जो ये मजाक बना रहे हैं ना गाइज, ये चीज़ें नहीं रुकेगी अगर मैं पीछे हट जाता हूँ इस समय, मुझे ये करना ही पड़ रहा है। सो प्लीज़ सपोर्ट करें एंड अपडेट्स मिलते रहेंगे। जल्दी फुटेज आने वाली है, टोल की फुटेज आने वाली है एंड हाईवे पे 50 मीटर आगे कैमरा था जिससे पता लग जाएगा कौन साथ में था कौन साथ में नहीं था, पीछे से कौन सा ट्रक या गाड़ी आई, नंबर सब कुछ, गाड़ी के पार्ट्स वगैरह की फ़ोटो जो भी मिले हैं, ट्रक के टायरों के निशान मिले हैं, सब कुछ आपको। इतना ही बोलना चाहूँगा मैं, थैंक यू सो मच एंड जल्दी अपडेट्स देता रहूँगा मैं। फुटेज आने वाली है एंड बाइक वगैरह के टूटे हुए वगैरह पार्ट्स एंड जिसने टक्कर मारी उसके भी काफ़ी पार्ट्स मिले हैं हाईवे पे जाके, बहुत चीज़ें पता लगी हैं। अभी मैं आपको काफ़ी चीज़ें नहीं बता सकता बट आप मान के चलिए कि कल वाले व्लॉग में फुटेज वगैरह सब कुछ आपको क्लियर हो जाएगी, हर चीज़ आपको दिखा दी जाएगी कि क्या कैसे क्यों हुआ एंड बाकी आएंगे भैया। मैंने अंकल को देखा, सब कुछ मैं हर चीज़ महसूस कर चुका हूँ, उनका घर ख़त्म हो चुका है, एक लौता बेटा और उनकी एक बहन है, एक बेटा है एंड बेटा ख़त्म हो गया उनका। मैं शायद आप लोग ना वो फील नहीं कर पा रहे हो जो आप लोग मीम बना रहे हो, मजाक बना रहे हो, कह रहे हो ठीक हुआ, फेक न्यूज़ बना रहे हो व्यूज़ के लिए कि 300 पे था ऐसे टकरा गया, शायद आप वो चीज़ फील नहीं कर पा रहे हो। वो सब लोग YouTube देखते हैं, वो सब लोग वो वीडियोस देख रहे हैं जो आप लोग फेक बना रहे हो। सो प्लीज़ ये दिमाग में रख के अब तब बनाना, बाकी भैया तुम्हारी मर्ज़ी है और कर्मा बहुत बुरी चीज़ है, बना लो फेक कंटेंट बनाना है बना लो। सो गाइस अगस्त्य भाई हमारे साथ थे हैं रहेंगे एंड प्लीज़ ऐसा कंटेंट ना बनाएं, मैं 10 बार बोल चुका हूँ बात, बट प्लीज़ इस चीज़ को समझिएगा, किसी के घर वाले देख रहे हैं ये चीज़ तो प्लीज़ 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 भाई मैं प्लीज़ कि इससे ज़्यादा क्या ही बोलूँ मैं, ऐसा मत बनाऊँ कंटेंट। और हाँ एक चीज़ कहूँगा, प्लीज़ मैं दोबारा बोलना चाहूँगा, इस क्लिप को जितना हो पाए उतना शेयर करें गाइस, जिस पर भी वो कैमरा है, हमें कैमरा नहीं चाहिए, हमें आपको नहीं पकड़ना, हमें कुछ नहीं करना, आप कैमरा रख लो, वैसे भी उसके पापा के लिए वो कैमरा जितने भी हैं वो कुछ काम के नहीं रहे, प्लीज़ हमें बस क्लिप भेज दो, हमें बस ये देखना है वो किस वजह से हुआ, किसने मारा और क्यों मारा और पकड़ना है बस उसको गाइस। एंड गाइस जो आज अगस्त्य भाई के वो देखने नहीं आ पाए उनकी लास्ट जर्नी में किसी भी रीज़न से, सो जल्दी लाइक आगे की जो होती है 13वीं वगैरह सब कुछ, वो उसकी डेट वगैरह जब भी जो भी डिसाइड वगैरह होगी वो आपको बता दी जाएगी एंड प्लीज़ जितने लोग हो पाएँ उतने आ पाएँ, उनके फैमिली को बहुत सपोर्ट की ज़रूरत है ठीक है, ना कि ऐसे फेक क्रिएटर्स की और ऐसे फेक कंटेंट की।